आज रहता तो आज फुर्सत नहीं रहती क्योंकि फिर पूजा वूजा से तो फिर तो मैं भी नहीं रहती निकल छुट्टी कर गया फिर मैं भी उधर रहती चेन्नई में भी है वो टाइम पे रहा लाइक एज अ हाउस वाइफ क्योंकि आप जैसे बताने कि आपके हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है आपके लिए नींबू पानी भी बनाते तो वो ऐसे वो टाइम पे जब आपको इस तरह का कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना था वो टाइम पे क्या माहौल था पूरी फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट था क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप मिसेज इंडिया भी कर रहे हो या मिसेज यूनिवर्स कर रहे हो मिसेज इंडिया में आप सिर्फ आप अपने देश में होते हो और सबसे ज़्यादा एडवांटेज मुंबई में रहने वाले लोगों को मिलता है हमें हमारा घर छोड़ के बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता तो उस वक्त मुझे ये चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ था पर मिसेज यूनिवर्स में मुझे साउथ अफ्रीका जाना था मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने सारा हमारा प्लान था कि हम जाएंगे वहाँ पे वेकेशन करेंगे बट बिकॉज ऑफ माय डॉटर्स एग्ज़ाम्स उन्होंने अपना छुट्टी भी कैंसिल किया और जिस तरह से उन्होंने उसकी देखभाल की उसे पढ़ाया मेरी मदर इन लॉ ने मेरी मदर इन लॉ काफ़ी एजड हैं लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सब कुछ घर में बहुत अच्छे से देख रेख की और मुझे यह आश्वासन बहुत बार दिलाया कि सब ठीक है तुम अपने कॉम्पिटिशन पे ध्यान दो और देश का नाम रोशन करके वापस आओ उस वेजेंस के बाद आपका किस तरह से लाइक लाइफ में चेंज आया है आप आगे इन फ्यूचर आप क्या करने का प्लान कर रही हैं इसके बारे में बताइए चेंजेस तो बहुत आया है क्योंकि आप जब वहाँ जाते हो उतने बड़े
एक्चुअली जी सर क्या कहेंगे 14 इयर्स से आपके स्वागत कर रही खास तौर इसके हाल में आप हमको बांधे हैं पानी बांधे हो तुमको ये सोच कैसे आएगी मैं अपनी ओर मज़ा आता है सबसे पहले तो नींबू पानी बनाने के लिए इसके लिए पानी पिलाने के लिए दिन भर भूखी रहती है पानी बिना रहती है सवेरे सवेरे उठती है 4 बजे सर्गी करती है सो ये बनाने का एक अलग फन है शाम को जल्दी अगर ऑफिस है तो ऑफिस से जल्दी आके बनाना फिर सोचते कि आप ये बनाएँ याद ये खाने मिलेगा मुझे अच्छा कुछ सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट रहता है कि मैं उसको क्या खिलाऊँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए देन मैं क्या खाऊँ उसमें क्योंकि ये भूखी प्यासी रहती है और मेरे लिए ये कंसर्न ज़्यादा रहता है क्योंकि इसका खाना सोच समझ के हम बनाते हैं घर में तो ये कितना खा पाएगी दिन भर भूखे रहने के बाद अचानक खाए तो कोई तकलीफ़ ना हो तो ये ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है मुझे दिन मेरे खाने के लिए ऐसे कोई डिमांड है जो आपको लगा कि ये डिमांड पति से ही हो गई है वैसा हुआ ज़्यादा हो गया डिमांड कुछ ऐसे भी हुआ है इन 14 ईयर्स में डिमांड किया कुछ ज़्यादा डिमांडिंग आप तो लड़ाने वाली बात कर नहीं नहीं ऐसा नहीं है शी डिज़र्व वो डिज़र्व करती है जो भी वो डिमांड करे वो विश करे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिमांड से ज़्यादा सो वो विश करे वही मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है सर इन 14 साल में लाइक कभी कोई लाइक पहला करवा चौथ से लेके अब तक जो एक जर्नी है लाइक व्रत रखने की लाइक वो एक जो एक्साइटमेंट रहता है कि हर एक दिन के मैं ये स्पेशल चीज़ करूँगी या मैं से अपने एक स्पेशल मोमेंट बनाने का जो एक प्रक्रिया रहता है कि आपने कभी ऐसा कुछ याद है जो आपने कभी अपनी वाइफ के लिए किया हो या आपकी वाइफ ने आपके लिए किया कुछ ऐसा ये तो बहुत सारी चीज़ें करती है सरप्राइजेस देने में एक्सपर्ट है मुझे सिखाती है कि नए नए तरीके से सरप्राइजेस कैसे देना था मैं नॉर्मली बड़ा बोरिंग किस्म से हूँ इस बार जब मैं मिसेस इंडिया जी के आई थी और मेरा बर्थडे था और मैं काफ़ी ट्रैवल कर रही थी मुझे हम लोग शिफ्ट हो चुके थे और काफ़ी ट्रैवलिंग चल रही थी इवेंट्स के चक्कर में तो थोड़ी सी अपसेट थी कि शायद इस बार का बर्थडे मेरा इनके बगैर ही सेलिब्रेट होगा मैं नहीं कर पाऊँगी तो ये अचानक रात को 12 बजे बॉम्बे आ गए और उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज हाँ मैं बाहर ही घूम रहा था पहुँच तो पहले ही गया था इसको ना पता चले इसलिए मैं बाहर ही रास्ते में ही घर के बाजू में कम से कम 3-4 घंटा इधर ही आसपास ट्रैवल किया क्योंकि बाहर गए तो वापस आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल सरप्राइज रात के 12 बजे मैं फिर घर आया दैट बट सरप्राइजेस का लर्निंग मुझे जो है इसी से मिला है बट बेस्ट चीज़ तैयारी में मुझे लगती है करवा चौथ में स्पेशली नींबू पानी बनाने का दैट आई रियली एंजॉय कभी ऐसा हुआ कि नींबू पानी को दिमाग ज़्यादा गिर गया ऐसे कर रहा था नहीं मैं एक्सपर्ट शेफ सेम टेस्ट रहेगा हर चीज़ इसका पूरा खाना जनरली मैं जब भी मौका मिलता मैं बनाता हूँ बेटर देन रेस्टोरेंट्स बाहर कहीं पर भी जाओ तो हर चीज़ परफेक्ट रहती है खाना बनाने में वो कभी नहीं हो सकता इन दैट केस नेहा आप तो लाइक काफ़ी खुश नसीब है मतलब खाना बनाने में भी आपके हस्बैंड इतना सपोर्ट करते हैं जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ आपके हस्बैंड में कोई ऐसी क्वालिटी है जो आप लाइक इनमें बहुत अच्छा लाइक पाती हैं या फिर ऐसी कोई क्वालिटी जो इनमें लाइक ये चीज़ है ना इनमें कमी है कोई ऐसी कोई आप दोनों से यही दो सवाल है कि आप कुछ बताना चाहेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वालिटीज़ तो इनमें बहुत बहुत ज़्यादा है मतलब हर कुछ है जो हस्बैंड में होना चाहिए सिवाय कि भूलते बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा याद दिलाना पड़ता है मुझे दिन भर फ़ोन पे याद दिलाना पड़ता है कि ये करना था तो उसके अलावा तो कुछ भी कोई बात ऐसी नहीं है जो नहीं होनी चाहिए सब कुछ है सर मेरे लिए तो इंस्पिरेशन है इसका हार्डवर्क जो मैं लैक करता हूँ कंपेरेटिवली तो बहुत हार्ड वर्किंग है फास्ट है हर चीज़ अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करती है सो और प्रॉब्लम इसके लाइफ में जो रही है उसकी तरफ बगैर ध्यान दिए इसने यहाँ तक कितने आगे पहुँची है सो दैट्स द मोस्ट इंस्पायरिंग पार्ट एंड लर्निंग पार्ट जो सिर्फ मुझे कमी पूछ रहे हो कमी बताओ कोई भी कमी डरो ऐसी तारीफ की तो बहुत सारी चीज़ें कोई कमी
तो उसके लिए काफी सोचना पड़ेगा। मैं बताती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है और यही मेरी कमी है शायद। तो पर वो डर रहे हैं। गुस्से में ऐसी कोई चीज कभी इन्होंने की जो आपको अच्छी नहीं लगे? गुस्से में तो कोई भी चीज किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन नहीं वो नहीं, बट सिंस इसका डिमांडिंग शेड्यूल भी बहुत है, सो वो दैट इज वन ऑफ द रीजन मे बी बहुत डर रहे करवा चौथ हमारा खराब नहीं करना चाहते। थैंक यू सो मच। कुछ लगता है हाँ, यहाँ पे गलती हो गई क्या? चांद में देखा ही नहीं, मूवी निकल लेते चांद मूवी निकलेगा ही नहीं, बादल बहुत हैं खराब है। ठीक है।